जो मैं तेरे द्वार आया। किस्मत होती है, कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलती। कहते हैं कि दरबार में आने से भी पहले ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं को जानता नहीं था, ऐसा नहीं है कि दरबार में जानता नहीं था, और ऐसा नहीं है कि दरबार में कभी गया नहीं। लेकिन जितने दरबार में गया वहां जाकर वापस आया तो भी कुछ मिला नहीं। सच बोलूं तो एक समय जीवन में वो भी आया था कि विश्वास इतना शुरू हो गया था कि भगवान कुछ है। उसके बाद आपकी तरह कोई शाम प्रेमी मिला, वो हाथ पकड़कर पहली बार खाटू ले गया। पहली बार उसने सर झुकाया दरबार में और बाबा से एक बार कही, बोले बाबा मांगूंगा नहीं, कारण मैं तेरा प्रेमी नहीं हूँ, ये तेरा प्रेमी जो मुझे लाया है, इसे मुझे बात कही है। बोले मुकेश भाई इस दरबार में मांगने की जरूरत नहीं है, वो लख दाता है। लख दाता का मतलब लाख देने वाला नहीं, लाखों देता है ना। लख दाता का मतलब होता है दिल की बात को समझकर बिना मांगे देने वाला। वो लख दाता है मुकेश भाई, मांगना मत, सिर्फ जाकर एक बार सर झुकाकर जो कहना है कह देना, उसके बाद आपको भूलकर नहीं देखना पड़ेगा। मैंने यही कहा ठाकुर मांगूंगा नहीं, मुझे क्या चाहिए तुझे पता है। और तू ये भी जानता है कि मैं जितने देवी देवता है हर दरबार में घूम कर तेरे दरबार में आया हूं, जो चाहता हूं वो मिला तो वापस आऊंगा जय श्री श्याम करने, और नहीं मिला तो फिर अपना जयपुर छोड़ा था जहां रहता हूं वो घर बना। विश्वास कीजिएगा उस दिन हाथ पकड़ा था इसने उस दिन, और आज तक पीछे होकर देखने की नौबत इसने नहीं आने दी मुझे मेरे जीवन में। अब जब भी जाता हो तो कुछ मांगने के लिए वो नहीं खोता गुरु, अब मांगने के लिए वो नहीं खोता, अब सिर्फ दिल से एक ही बात निकलती है कि ठाकुर शुक्रिया तेरा, और शुक्रिया तुझसे कहीं ज्यादा तेरे उस प्रेमी का जिसने मुझे खाटू ले जाकर तेरा हाथ हाथ में दिलवाया। अब सिर्फ एक ही बात निकलती है दिल से कि बाबा अच्छा हुआ मैं तेरे द्वार आया, अच्छा हुआ मैं तेरे द्वार आया। क्या हुआ, कभी जो न सोचा था वो मैंने पाया, कभी भैया के कहने से शुक्रिया अदा मत करना। अगर वाकई मिला है तो हाथ उठाना बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ, थोड़ी सी तकलीफ दे दो कोई बात नहीं, जो जीवन भर के दुख दूर करता है उसके लिए अगर थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त ना कर सको तो फिर क्या करेंगे। वो हाथ उठाना और झूम कर कहना बाबा से कि बाबा अच्छा हुआ मैं तेरे द्वार आया, अच्छा हुआ मैं तेरे द्वार मुश्किल से मिलती थी, लोग छप्पन भोग मिलते हैं,
जा रहने को देखो उनका घर था आज को भी धीरे धीरे हम कहते हैं कि हमने किया सारी बजाने पड़ेगी आज ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको जिसे गलत फहमी है कि मैंने किया हम कहते हैं कि मैंने किया मैं कहूँ कि मैंने किया सिर्फ एक सवाल है कुछ ऐसे इंसान के लिए या फिर भी इंसान जो ये कहे मैंने किया कि अगर तेरी औकात थी करने की तूने किया तो तू इसके दरबार में जाने से पहले कर सकता था और पहले करके दिखा था तो ये बात कहने का अधिकार था कि मैंने किया मैंने नहीं किया करते हो तुम कर रही हो मेरा एक बार ताली बजाकर कह दो कि बाबा कि सुन्नत की रेखा बदलने लगी है हालत ये अब हो गई सुधरने लगी है कि सुन्नत की रेखा बदलने लगी है हालत ये अब हो गई सुधरने लगी है ये भक्तियां मैं अपने लिए और मेरे लिए नहीं जितने जितने भजन गाने वाले
गा रहा हूँ आप सबके लिए। सारी वजह मैंने आपने कहा था शायद भंडारा शुरू हो गया इसलिए खाली हो गया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सारी वजह आप सुन लो, सिर्फ कान में पड़ जाए, कान में पड़ जाए कि खाना शुरू हो गया। आने लाइन करते हैं, आप विश्वास कीजिएगा ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, जितने कलाकार हैं ना गाने से चार घंटे पहले खाते हैं और ना दो घंटे बाद खाते हैं, और कई बार हाल दिए तो ये होती है कि खाना मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, खाया तो खाया क्योंकि एक एक वाक्य मुझे मेरे जीवन का आज भी याद है। आज भी तीन दिन लगातार कीर्तन किए मैंने चारों तरफ, बैंगलोर बैंगलोर से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, और जब चौथे दिन कहता मैं वापस दिल्ली आया, मैंने लोकेश बैठा से कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सुनिएगा अभी हसन बोलता हुआ चक्कर तो आएंगे। मैंने कहा क्यों, बोले खाना कब खाया था, अब मैं याद कर रहा हूँ मैंने खाना कब खाया था, याद नहीं। बोले तीन दिन पहले जब आप दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकले थे तब आपने दो सैंडविच खाए थे, तीन दिन से हो गए हो आप चक्कर तो आ रहे हैं आपको। इसके भरोसे चलता है आदमी, मैं कसम खाकर कह रहा हूं ना मेरी औकात भजन गाने की ना आपकी औकात बैठकर ताली बजाने की, ये इसकी कृपा है कि मैं यहां खड़ा हूं और ये इसकी कृपा है कि आप यहां बैठकर भजन भी गा रहे हो तालियां भी बजा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं सुनिए गांधी भाई ने, तेरे ही भरोसे दुनिया में घूमूं मगन होके बार बार मस्ती में झूमूं, तेरे ही भरोसे दुनिया में घूमूं नसी में तेरा धार बिंदु पे, तेरा धार बिंदु पे, तेरा धार भागी पे, तेरा धार भागी पे, बहुत रास आया अच्छा हुआ। अच्छा हुआ